हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं अंडररेटेड गेम्स नहीं कवर करूंगा लाइक माय प्रीवियस वीडियोस, बल्कि विल डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉरर टाइटल्स ऑफ द लास्ट डेकेड। एंड ऑनेस्टली मैं ये जॉनरा से ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए इस वीडियो में आपको वेल नोन टाइटल्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ सम अंडररेटेड इंडी हॉरर गेम्स। मेरा पहला पिक होगा आउटलास्ट। मैंने सीरीज के दोनों गेम्स बैक टू बैक खेले एंड आई प्रिफर्ड द फर्स्ट वन अ लिटिल बिट मोर। आउटलास्ट हमें एक जर्नलिस्ट बन के खिलाएगा हु एंटर्स द साइकियाट्रिक हॉस्पिटल फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब इस हॉस्पिटल में क्या सिनेस्टर एक्टिविटीज हो रही हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों हो रही हैं, ये सब आपको इस गेम में रैंडमली प्लेस्ड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पर पता चलेगा, जो आपको इस हॉस्पिटल में हुए इवेंट्स की बैक स्टोरी देता रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दैट आउटलास्ट खेलने का एक्सपीरियंस मेरे गेमिंग हिस्ट्री का सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस रहा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अनलाइक अदर हॉरर गेम्स लाइक रेसिडेंट इवल, ये गेम आपको कोई वेपन नहीं देता, आपके पास बैरली कुछ होगा टू डिफेंड योरसेल्फ। पहले सीन से ही आउटलास्ट वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एंड साउंडिंग सर्वाइवल हॉरर है। मैं तो हर एक रूम या न्यू एरिया में घुसने से पहले दो बार सोचता कि अब क्या फेस करूंगा एंड व्हाट काइंड ऑफ जंप स्केयर इज वेटिंग फॉर मी एट द अदर एंड। जैसा मैंने बताया, आपको ये गेम कोई वेपन नहीं देता, सो मोस्टली यू विल हैव टू रिलाय ऑन स्टेल्थ। जब कोई मॉन्स्टर या क्रेजी पेशेंट आपको चेस कर रहा हो तो एक डोर से दूसरे एरिया में जल्द से जल्द एस्केप करना इज सो टेरिफाइंग एंड थ्रिलिंग। गेम के स्टार्ट से ही आपके पास एक कैमकॉर्डर होगा विच विल बी योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैजेट, या आपको डार्क प्लेसेस एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा थ्रू नाइट विजन। सेकेंड ऑन द लिस्ट इज रेसिडेंट इवल 7। अब बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में कहेंगे कि मैंने रेसिडेंट इवल विलेज क्यों नहीं रखा इंस्टेड ऑफ दिस वन। इसका रीजन ये है कि ओवरऑल बेटर गेम मुझे खुद आरी विलेज लगता है, बट इन टर्म्स ऑफ वन बीइंग मोर स्केरियर देन द अदर, आई प्रिफर आरी 7। ये फर्स्ट पर्सन टेक बड़े ही अच्छे से याद रखता है कि इन गेम्स का सर्वाइवल हॉरर एस्पेक्ट इन्हें ग्रेट बनाता है, ना कि एक्शन फिल्ड सीक्वेंसेस लाइक रेसिडेंट इवल 5 एंड 6। इस गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इसके वर्ल्ड बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर है, एकदम ही डार्क इंटेंस एनवायरनमेंट जो आपके अराउंड बहुत ही क्रीपी एंड ग्रूसम लुकिंग चीजें दिखाता रहेगा। Fuck! आप इस गेम में बेकर फैमिली के अगेंस्ट होंगे जिन्हें मारना इज नियर इम्पॉसिबल। इनके अगेंस्ट के बॉस फाइट्स इस कैंपेन के सबसे इंटेंस एंड थ्रिलिंग मोमेंट्स में से एक होंगे। बेकर फैमिली के अलावा आप दो और सेट ऑफ क्रिएचर्स फेस करेंगे, उनमें से एक आर कॉल्ड मोल्डेड एंड सेकेंड आर दिस ह्यूज फ्लाइंग बग्स। और पुराने गेम्स की तरह ये गेम भी आपको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एमो देता है, जो आपको सही मोमेंट पर आके इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट ऑन स्मॉलर एनिमीज। अगला गेम आता है द इविल विदिन 2। 2014 इविल विदिन का ये सीक्वल प्रोटैगनिस्ट सेबेस्टियन की स्टोरी कंटिन्यू करता है। हेलो सेबेस्टियन। फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में ये गेम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लीन सेटअप प्रोवाइड करता है, एंड इन टर्म्स ऑफ थर्ड पर्सन हॉरर ये गेम एक कंप्लीट पैकेज है। इट हैज ग्रेट एनवायरनमेंट, अजीब दिखने वाले क्रिएचर्स एंड टेंशन फिल्ड सीक्वेंसेस जो आपको हर वक्त अलर्ट रखेंगे। गेम प्ले में आपको कई अलग अलग वेपन्स मिलते रहेंगे अगेंस्ट दीज क्रिएचर्स। आप लोग इनसे लड़ने कई ट्रैप भी सेट कर सकते हैं, या फिर अपने एमो और रिसोर्सेज बचाने के लिए सीधा इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि हर एक एनिमी किल आपको एक पर्टिकुलर मटेरियल देगा जो आपके अपग्रेड्स के टाइम बहुत काम आएगा, सो जितना हो सके स्टेल्थ किल्स पर निर्भर रहें। फर्स्ट पार्ट के मुकाबले इस बार गेम का मैप ज्यादा स्प्रेड आउट एंड ह्यूज है। आपका आधा टाइम लोकेशन एक्सप्लोर करने और रिसोर्सेज इकट्ठा करने में ही चला जाएगा। मुझे गेम के एनिमी डिजाइन्स बहुत पसंद आए। कई अजीबोगरीब मॉन्स्टर से आपका सामना होगा थ्रू आउट द कैंपेन, और हर एक बॉस फाइट एक दूसरे से बहुत अलग है, ऑल हैविंग डिफरेंट फाइटिंग पैटर्न। एलियन आइसोलेशन। ये गेम हमें 1979 एलियन फिल्म के 15 साल बाद के इवेंट्स शो करता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द डॉटर ऑफ दैट फिल्म्स प्रोटैगनिस्ट अमांडा रिपली। सबसे पहले तो आइसोलेशन अपने आर्ट डायरेक्शन और साउंड डिजाइन से ही आपको एक क्रीपी एंड इंटेंस वाइब देता रहेगा। अराउंड एक घंटे खेलने के बाद इस गेम के लीड थ्रेट की एंट्री होती है द ज़ेनोमॉर्फ।
एंड वंस ही अराइव्स, एक कॉरिडोर से दूसरे तक जाना भी आपको डरावना लगेगा, एज दिस क्रिएचर कैन जंप ऑन यू एट एनी गिवन टाइम इफ यू मेक अ साउंड। भागना तो इस गेम में पूरी तरह यूजलेस है, क्योंकि एक बार ज़ेनोमॉर्फ स्पॉट्स और कैचेस यू तो आपका बचना नामुमकिन है। ना आप इसे मार सकते हैं और ना आप इससे भाग सकते हैं। द ओनली गिवन ऑप्शन इज टू हाइड। इसके अलावा गेम में आपको कई एआई रोबोट्स और फेलो ह्यूमंस के अगेंस्ट भी जाना होगा, और हाँ, अनलाइक ज़ेनोमॉर्फ आप इन्हें मार सकते हैं। कैंपेन में आपको बहुत से हैकिंग सेक्शंस भी मिलेंगे जो और स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, नोइंग कि यू आर आउट इन द ओपन फॉर ज़ेनोमॉर्फ टू किल। एलियन आइसोलेशन आपको लगातार स्कैरी मोमेंट्स नहीं देता रहेगा, लेकिन इसका टेंशन फिल्ड गेम प्ले जो आपको एक मिनट भी चैन के सांस नहीं लेने देगा इज वर्थ योर टाइम इफ यू आर अ फैन ऑफ सर्वाइवल हॉरर। और लास्ट गेम आता है रेसिडेंट इवल 2 रीमेक। अगर मुझे कोई इस फ्रेंचाइज में से टॉप 2 गेम्स पिक करने बोलेगा तो मैं RE7 एंड इसे पिक करूंगा। एक ऑलरेडी फैंटास्टिक सर्वाइवल हॉरर को और बेटर बनाया गया है विद इम्प्रूव्ड विजुअल्स एंड बेटर कैमरा एंगल। पर्सनली आई फील दैट रेसिडेंट इवल 2 हैज द मोस्ट स्कैरी लुकिंग ज़ॉम्बीज आई हैव एवर सीन इन एनी वीडियो गेम। इनका इतना अननेचुरल वे में आपके पास आना एज यू आर रनिंग आउट ऑफ एमो सेट्स द टोन ऑफ द गेम इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। और फिर आता है मिस्टर एक्स, जो पूरा टाइम आपका पीछा करता रहेगा, मेकिंग दिस गेम मोर स्कैरी एंड टफ। आप लियोन और क्लेयर दोनों बन के खेल सकते हैं, जो दो डिफरेंट सेट ऑफ कैंपेन देगा, मेकिंग द गेम अराउंड 10 आवर्स। रेसिडेंट एवल 2 अपने क्लासिक थर्ड पर्सन रूट्स को वापस लाके एक परफेक्ट थर्ड पर्सन सर्वाइवल हॉरर देता है, जो वैरायटी ऑफ एनिमीज और इंटरेस्टिंग पजल्स से आपको रेयरली ही बोर होने देगा। वीडियो खत्म करने से पहले मैं कुछ और गेम्स के नाम देना चाहूंगा जो मैं इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाहता था। सो हियर आर सम ऑनरेबल मेंशंस। 2017 का पजल प्लेटफॉर्मिंग हॉरर लिटिल नाइटमेयर्स, 2016 का लेयर्स ऑफ फियर एंड 2020's एमनीजिया रीबर्थ। एंड इफ आई हैव मिस्ड एनी गेम जो आपके हिसाब से इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।